बनारस से लॉकडाउन में अपने घर जनपद हापुड़ के एक गांव रामपुरा में आया एक युवक का पांव फिसलने से वो नहर में डूब गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। बता दें कि मामला रविवार का है, जब जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव रामपुरा के पास स्थित नहर में रिंकू अपने दोस्तों के साथ नहाने के पहुंचा। 19 वर्षीय युवक का पांव नहर किनारे फिसल गया, जिससे वो डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने रिंकू को काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। लड़का आया और भी कई है उसके साथ में, और वो यहाँ नहाने को आए, नहाने में डूबा। ढूंढ रहे हैं, गोताखोर भी लगे हुए हैं गांव के भी, बाकी भी मिल नहीं पाया। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। बता दें कि रिंकू पुत्र स्वर्गीय भोला सिंह बनारस में काली बनाने का काम करता था, जो कि लॉकडाउन में अपने घर आया था। फिलहाल युवक की तलाश की जा रही है।